हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति मीना, लेक्चरर इन जीपीसी 12। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमने अभी अर्थिंग का एक लेक्चर पढ़ा था, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग हम क्यों करते हैं और अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है, और जो हमारी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अर्थिंग्स के टाइप। तो हमारी थर्ड यूनिट है अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, अपना अर्थिंग का सिंबल है ये, और ये हमारे 5 टाइप्स की अर्थिंग्स होती है। अर्थिंग टू वाटर मेन्स एंड पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग एंड रॉड अर्थिंग। ये 5 टाइप की बेसिकली अर्थिंग होती है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप की अर्थिंग है। एक है पाइप अर्थिंग, एक है प्लेट अर्थिंग। इन दो को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पाइप अर्थिंग क्या होती है? कोयला और नमक की लेयर्स बनाएं। लेयर्स बनाने से क्या होगा, हम पानी डालेंगे ऊपर से अर्थ इलेक्ट्रोड में, तो जो पाइप अर्थिंग होती है तो उसमें इस तरीके की अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग यूँ। और इस पे यहाँ पे हल्के ऐसे ऐसे होल होते हैं, तो इन होल्स में जब पानी जाएगा तो ये ऐसे लेयर हम नमक और कोयले की यहाँ बना देते हैं, तो उसमें पानी जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, हम रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हमारी अर्थिंग अच्छी हो गई। और कहीं पे हमें ऐसी कंडीशंस मिलती है कि हम ज़मीन में ज़्यादा गहरी गड्ढा नहीं खोद सकते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पैरेलल इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो भी स्पेसिफिक डिस्टेंस के। तो पैरेलल इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगाएंगे, और उस तरीके से हम अपना अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इन सब के बारे में अब हम पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तब भी इससे क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। अभी आप लोगों का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन ये चैप्टर फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम में आता है अर्थिंग से सिस्टम। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे पाइप अर्थिंग, तो हम पाइप अर्थिंग के बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पाइप अर्थिंग का ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिया हुआ है, शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम जब भी क्या पाइप अर्थिंग हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, तो आप लोग जनरली गलती क्या करते हो, उसके बारे में थ्योरी लिखते जाते हो और उसका डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हो। जहाँ कि आप अगर डायग्राम बना देते हो तो आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायग्राम अपने आप को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाए तो उसका डायग्राम कंपलसरी होता है, मस्ट होता है। अगर हमने डायग्राम देख लिया, हम कॉपी चेक करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, बंदे में नॉलेज है, ये अच्छे से लिख सकता है, तो हम डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं और उसमें सारी थ्योरी भी बन जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायग्राम हमेशा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पाइप अर्थिंग है हमारी, ये सबसे सारी जो अर्थिंग है हमारी 5 टाइप की अर्थिंग है, उसमें सबसे बेस्ट अर्थिंग ये मानी जाती है हमारी। ठीक है, ये सबसे सस्ती अर्थिंग होती है हमारी। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ये ऊपर ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है। तो अर्थ जो इलेक्ट्रोड होता है हमारी, इसकी साइज़ होती है BIS के अकॉर्डिंग 38 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 38 mm से इसकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कास्ट आयरन है तो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और जो इसकी लेंथ होती है वो 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक गड्ढा खोदेंगे, और ये जो हमारा गड्ढे की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करती है, मॉइस्चर पर डिपेंड करती है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है। ज़्यादातर हमें वो एरिया चूज करना चाहिए जहाँ परमानेंटली बेड हो, जहाँ पे गीला रहता हो, वहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद में क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है जिसकी साइज़ हमारी 38 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे कुछ फिलिंग है, यहाँ पे कुछ फिलिंग है। अब क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। जो होल्स है वो GI पाइप में बने हुए हैं, 12 mm डाया के, ये 12 mm डाया के होल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से थोड़ा तिरछा हुआ है। ठीक है, तो गड्ढे में हम इसका जो बनावट होती है वो इसी तरीके की होती है, ये तिरछा रहता है। फिर नीचे हम क्या है, सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं, सॉल्ट या चारकोल की लेयर लगा देते हैं। ये ज़मीन से 50 cm पहले गड्ढा खोदेंगे, नीचे सॉल्ट और चारकोल की लेयर लगाएंगे। सॉल्ट और चारकोल की लेयर क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये 15 cm के गैप में 15 cm नमक लगाया, फिर कोयला लगाया, फिर नमक लगाया, फिर कोयला लगाया। ये जो इंडिकेट करता है, ये चारकोल को इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये नमक को इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने होल बना रखे है, होल इन GI पाइप ऑफ 12 mm डाया, 12 mm डाया के हमने होल्स बना रखे हैं। ठीक है, ये 15 cm। अब इसके बॉटम ऊपर देखो, ऊपर क्या है,
ऊपर हमने बना रखा है, ये हमारा मेन अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया। फिर यहाँ पे इसको रिड्यूसर की जगह यहाँ से इसको हमने बना रखा 20 mm डाया का पाइप है, जीआई पाइप है 20 mm डाया का, 20 mm का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऊपर सीमेंट एंड कॉन्क्रीट वर्क कर रखा है, ठीक है। सीमेंट और कॉन्क्रीट वर्क क्यों कर रखा है, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए और वाटर डालने के लिए, ठीक है। वाटर क्यों डालेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए डालेंगे, जिससे क्या होगा इसमें कोयले और नमी अब्जॉर्व कर लेंगे और रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक फनल है वायर मैस के साथ में, और ये चारों तरफ से कॉन्क्रीट सीमेंट वर्क किया हुआ है। फनल में क्या होता है, हम इसमें पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये नटवोल्ट लगे हुए हैं, रिड्यूसर लगा हुआ है, ये जीआई पाइप आ रहा है 20 mm डाया का, फिर ये यहाँ कनेक्टेड है अपना मेन इलेक्ट्रोड से, ये मेन इलेक्ट्रोड है यहाँ तक जिसमें अपने होल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम पानी डालेंगे, जैसे ही हमें रेजिस्टेंस लगता है कम हो रहा है तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या सीजन में भी, जैसे ड्राई सीजन है गर्मियों में तो हमें पानी डालना ही होता है, तो यहाँ हम पानी डालेंगे, 3-4 बकेट पानी डालेंगे, और वो क्या होगा पानी हमारा नीचे आएगा और इन हॉल्स के थ्रू कोयले और नमक में स्प्रेड हो जाएगा। हॉल्स इसलिए बनाए गए हैं कि पानी हमारा इधर इधर फैल जाए, और फिर क्या होगा कोयला और नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का अपना सिस्टम हो गया। ये इसकी 25 cm यहाँ से है, 15 cm यहाँ से है, ठीक है। अब ये इधर देखेंगे, यहाँ पे एक जीआई पाइप अपना यहाँ से और निकाल रखा है ना, तो ये 15 cm डाया क्या है अर्थ वायर के लिए, यहाँ से अर्थ वायर जाएगा, ठीक है। जिसे हम क्या करते हैं, अर्थ वायर हमारा होता है वो 8 square gauge से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थ वायर हमारा 8 square gauge से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, जो भी हमारे घर में, यहाँ से ये वायर जाएगा, इधर से देख रहे हो, यहाँ से ये वायर जाएगा और ये जाएगा हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें 3-pin top होता है तो उसमें जाएगा। तो उस यहाँ से और उस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अब ये तुम्हें ईजिली शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या है। ये अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसको नीचे से ऐसे तिरछा बनाया हुआ है, नमक और कोयले की अल्टरनेट लेयर हमने लगा रखी है जिससे हमारी नमी बनी रहे। अब वो नमी बनी रहेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, मेनली हमें रेजिस्टेंस ही कम करना होता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। अब हम रेजिस्टेंस को एक तरीके से और कम कर सकते हैं, वो तरीका क्या होता है कि हम मान लो ज़मीन में गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहते, ठीक है। ज़मीन में गहरा गड्ढा, अब इसमें तो गड्ढा हमें 4 से 5 meter गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर 2 meter का ये 2 या 3 meter का अकॉर्डिंग टू सॉइल, ये लंबा अपना अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, इसको उसमें गाड़ते हैं, 15 cm नीचे छोड़ते हैं, फिर उसमें नमक कोयला भरते हैं। और मान लो हम गड्ढा गहरा नहीं खोदना चाहते तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ पाइप पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस कम करने के लिए। तो वो क्या होगा, जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है। तो ये इसका होगा। अब इसमें डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, ये क्वेश्चन आता है कि ये दो हम मान लो ये ऐसे पाइप लगाते हैं, 3-4 pipe हमने पैरेलल में लगा दिए। अब इसमें डिस्टेंस कितनी रहेगी, जो ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है इसकी लेंथ के दुगने से कम लेंथ डिस्टेंस इन पाइप्स के बीच में नहीं होनी चाहिए, तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस आसानी से कम हो जाएगा गहरा गड्ढा खोदे बिना। और इस केस में क्या होगा, हमें सॉइल के अकॉर्डिंग गड्ढा गहरा खोदना पड़ेगा जहां हमें रेजिस्टेंस कम मिल जाए। तो ये हमारा इसका होगा, ये चीज़ पाइप अर्थिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई है शायद, ठीक है। अब हमारी बात आती है जो हमारी सब्जेक्ट का नाम है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब यहाँ पे हमें पाइप अर्थिंग की भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप घर में भी कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अनुमानित लागत लगानी पड़ती है हमें। तो उसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब आपने डायग्राम देख लिया, डायग्राम में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, वही हम उस टेबल में लिखेंगे। तो इसमें टेबल बनाना सीख लिया अगर आपने अर्थिंग में, तो ये समझ लो कि आपको 303 पूरी सब्जेक्ट आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होगा, एक हमारा ये अर्थ इलेक्ट्रोड होगा, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे कि भाई ये 40 mm का हमारा जीआई पाइप है, 2 से 3 meter लंबा है, ये लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें हॉल्स बने हुए हैं, हमें नमक कितना चाहिए, 20 kilo चाहिए, कोयला हमें कितना चाहिए, 20 kilo चाहिए, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम टेबल में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, चारकोल इनकी लेयर हो गई। अब लिखेंगे कि ये हमारा ये पाइप है, ये 20 mm डाया का पाइप है और ये कितने मीटर लंबा है, 2 meter लंबा है, 3 meter लंबा है, वो लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा होगा कि ये हमारा क्या है,
15 सेंटीमीटर जी आई पाइप फॉर अर्थ वायर, 15 सेंटीमीटर जी आई पाइप डाया का, ये हमारा क्या है अर्थ वायर के लिए जी आई पाइप है, जो कहाँ से यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये क्या होता है लग्स लगे हुए थे, यहाँ से हमारा कनेक्टेड आएगा, यहाँ से अर्थ वायर इसमें होके आ रहा है और ये आ गया। अर्थ वायर हमें कितने स्क्वायर गेज का चाहिए वो आएगा, सीमेंट और कॉन्क्रीट वर्क होगा, फनल और इसके लिए क्या है वो नट वोल्ट शावर, यहाँ इसको रिड्यूसर, यहाँ रिड्यूसर वो भी लिखेंगे कि भाई रिड्यूसर कितने लगे, उनकी क्या कॉस्ट है, यहाँ पे अपनी फनल है, सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क कितने का हुआ, वो सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ पाइप अर्थिंग। तो अब मैं आपको टेबल बना के बताती हूँ कि कैसे इसकी टेबल बनेगी, क्या क्या चीज़ है, और जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओ और स्पेसिफिकेशन लिखो, तो डायग्राम से भी आप देख के सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो आप एक बार डायग्राम पढ़ लिया, वहीं आपको थ्योरी समझ में आ जाती है, वहीं आप किसी भी चीज़ का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकाल सकते हो। ठीक है, जो पाइप इलेक्ट्रोड है हमारा, उसको डिज़ाइन करने ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे हम बनाते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो R है जो रेजिस्टेंस है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 रो अपॉन में 2 पाई L लॉग 4 L अपॉन में D। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा रो, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर, एल हमारी जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है इसकी लेंथ है, ठीक है, एल हमारी लेंथ है, डी हमारी जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसका डायमीटर है। तो इससे हम अपने जो पाइप अर्थिंग है या रॉड अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं पाइप अर्थिंग की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। तो डायग्राम से हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या है इसमें चीज़ें हमारी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, जो भी हम मटेरियल उसमें ले रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्राइब करना है विथ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से क्या मतलब है हमारा, कि मान लो हमने अर्थ इलेक्ट्रोड लिया है, वो कितने लेंथ उसकी कितनी है, उसकी डाया कितनी है, वो स्पेसिफिकेशन में आता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम क्वांटिटी का, क्वांटिटी में कि कितने मीटर लंबा है, वो हमारा उसके स्पेसिफिकेशन में आता है। ठीक है, अब है ना ये यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक कॉलम और जुड़ेगा कि टोटल कॉस्ट की पर क्वांटिटी, कॉस्ट पर क्वांटिटी। ठीक है, पर क्वांटिटी से मतलब क्या है कि ये हमारा है जो भी चीज़ है उसके एक मीटर की कॉस्ट 100 रुपये है, तो 3 मीटर की कितनी कॉस्ट होगी वो उस कॉलम में लिखेंगे, और फिर नीचे सारा जुड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगी सारी। ऐसे ही हम सारे आइटम के लिए लिखेंगे। तो मैं आपको ये टेबल बता रही हूँ, आप मुझे ये सारा, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो ये सारा देख के मुझे कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स से उसका फ़ोटो खींच के देना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट आइटम हमारा क्या है, 40 mm डाया जीआई पाइप 3 मीटर लॉन्ग विद पोल्स ऑन साइड एंड बॉटम फॉर्मेड कॉनिकल। ठीक है, तो क्या होता है, हमने ये 40 मीटर डायमीटर का जीआई पाइप था जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड था। ठीक है, उसमें हमारे पोल्स बने हुए थे बीच बीच में। पोल्स किस लिए बने हुए थे, पानी डालने के लिए, इससे पानी नमक और कोयले में स्प्रेड हो जाए और हमारा मॉइस्चर बना रहे और रेजिस्टेंस कम रहे। ठीक है, और नीचे से वो तिरछा था थोड़ा, तो ये हमें किस क्वांटिटी में चाहिए, ये हमें चाहिए 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 20 mm डायमीटर जीआई पाइप 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लंबा 20 mm डायमीटर का एक पाइप चाहिए जो हमें अर्थ इलेक्ट्रोड से ऊपर निकाला था, जिससे हमारा फनल कनेक्टेड था, वो 20 mm का था, वो चाहिए हमें 3 मीटर, वो भी हमें 3 मीटर चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, रिड्यूसर सॉकेट टैप्ड बोथ साइड विथ 40 mm डाया, 20 mm डाया ऑन वन साइड एंड 40 mm डाया एट अदर एंड। अब हमें क्या चाहिए, रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है कि नीचे वाला पाइप तो हमारा 40 mm का था, ऊपर वाला हमारा 20 mm का, तो उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसर चाहिए। तो एक साइड तो हमारा 40 mm था, ठीक है, और एक साइड हमारा 20 mm, तो दोनों ऐसे होंगे, तो कितने चाहिए, वो एक चाहिए, एक की ज़रूरत है हमें, एक जगह ही हम साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 15 mm डायमीटर जीआई पाइप टू एनक्लोज 6 और 8 स्क्वायर गेज अर्थ वायर। ठीक है,
अब एक हमने क्या थिम्बल से कनेक्ट करके लग के थ्रू क्या निकाला था, जीआई पाइप निकाला था, जिसकी कितनी डायमीटर थी 15 mm, वो हम सब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिख रहे हैं। तो कितना और जो हमारा अर्थ वायर था उसमें से जो निकल रहा था जीआई पाइप में वो कितने था, 6 और 8 स्क्वायर गेज का था, 6 या 8 SWG अर्थ वायर, 4 पोल और पैनल, 2 केबल लग इन चैम्बर। जो हमारा चैम्बर क्या था, सीमेंट और कॉन्क्रीट का चैम्बर था, उसमें फनल था, उस चैम्बर में ही हम क्या करते थे, अर्थ वायर के जो अर्थ पाइप होता था उसको कनेक्ट करते थे, और उसकी वो कितना चाहिए हमें, 2 मीटर लॉन्ग चाहिए। फिर आता है हमारा जीआई अर्थ वायर 6 स्क्वायर गेज और 8 स्क्वायर गेज साइज़ में, ठीक है। जीआई अर्थ वायर चाहिए, अर्थ वायर जो हमारे अप्लाइंसेज से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो कितना चाहिए हमें, 3 मीटर लंबा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीआई थिम्बल 500 एम्पियर रेटिंग। अब ये कहाँ कनेक्ट करेंगे, टू वी फिक्स्ड विथ पोल और पैनल अर्थ वायर कनेक्शन। अर्थ वायर कनेक्शन के लिए हमें एक थिम्बल चाहिए, एक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 mm डायमीटर एंड 40 mm लॉन्ग चाहिए। डायमीटर तो कितनी है, 15 mm 15, और लेंथ कितनी है, 14 mm लॉन्ग। मशीन स्क्रू फॉर फिक्सिंग थिम्बल विद पोल एंड पैनल, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये टेबल एक और बनाएंगे, बोर्ड पे इतनी आई थी, कुछ सामान और है इसके, लाइक स्क्रू नट वॉल्ट वगैरह, तो कॉन्क्रीट सीमेंट कितना लगा और बाकी कॉन्क्रीट कितना लगा, वो सब भी हमें सारा स्पेसिफिकेशन लिखना होता है, इसी से हमारी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकलेगी। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर जो भी अपनी नेक्स्ट टेबल है, केबल लग टू बी माउंटेड ऑन 20 mm डायमीटर जीआई पाइप विद होल ऑफ डायमीटर टू फिट ऑन 20 mm डाया पाइप फॉर रिसीविंग अर्थ वायर। अर्थ वायर को जो रिसीव करने के लिए हम फनल में जो हम पाइप कनेक्ट करते थे, ये उसका डिस्क्रिप्शन, ये कितना चाहिए हमें, एक चाहिए, ठीक है। 50 mm डायमीटर जीआई बैंड। जीआई बैंड कैसे थे, जो हमने अर्थ जो हमारी फनल थी उसमें से जो हमारा पाइप आ रहा था 50 mm डाया का, तो वो ऐसे 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 मुड़ा मुड़ा हुआ था, तो वो कितना चाहिए हमें, दो चाहिए, दो बैंड चाहिए, ठीक है। कास्ट आयरन कवर 30 cm x 30, ये हमारा कास्ट आयरन कवर जो कॉन्क्रीट ऊपर सीमेंट के वर्क पे लगाया था, वो चाहिए हमें एक, ठीक है। कास्ट आयरन फ्रेम चाहिए हमें, ये कितना चाहिए, ये भी एक चाहिए हमें, ठीक है। फनल विथ वायर मैस फॉर 20 mm डायमीटर पाइप, ये हमें फनल चाहिए जो जिसके जिसमें से हम पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो कितनी चाहिए, एक चाहिए, ठीक है। अब एक क्या चाहिए, लॉक नट्स फॉर 20 mm डाया जीआई पाइप फॉर होल्डिंग केबल लग्स। तो जो केबल का लग जो हम लगाते हैं ऊपर, उसको होल्ड करने के लिए वो चाहिए 3, ठीक है। चारकोल मेड फ्रॉम वुड, चारकोल चाहिए, कोयला लकड़ी का बना हुआ, 15 kg 15 किलो कोयला चाहिए, कॉमन सॉल्ट नॉर्मल नमक चाहिए, वो भी चाहिए 15 किलो, सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्सचर चाहिए इस रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारा पाइप अर्थिंग का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो चुका है, तो आपको शायद समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेट अर्थिंग के बारे में, प्लेट अर्थिंग के डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, वर्किंग, ठीक है, और उसका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट कुछ पढ़ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके।